वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? तो आप सभी को पता होगा कि आगे नवरात्रि आ रही है, तो आज हम नवरात्रि के लिए एक नहीं दो दो क्राफ्ट बनाएंगे, वो भी वेस्ट आइटम का इस्तेमाल करके। और हाँ, आज हम ट्रेडिशनल वे में क्राफ्ट बनाएंगे, पर कौन सी चीज़ का आज हम इस्तेमाल करेंगे वो सब आप आगे जान जाएंगे। तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। और हाँ, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आप सभी के पास पहुंच जाए। तो चलो आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बेस बनाने के लिए कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। आप एमडीएफ बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो कार्डबोर्ड मुझे थोड़ा सा हार्ड चाहिए था और थोड़ा सा मोटा चाहिए था, इसीलिए मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से जुगाड़ लगाकर कार्डबोर्ड को जॉइंट किया है, ताकि थोड़ा सा मोटा हो जाएगा और हार्ड भी हो जाएगा। अगर आप एमडीएफ बोर्ड यूज़ करोगे तो वो पहले से ही हार्ड होगा। तो अभी हम इसके साइड को कवर करने के लिए न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करेंगे। तो न्यूज़पेपर को मैंने पहले से कट करके रखा था। अभी हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर ग्लू लगाएंगे। और हाँ, मैंने यहाँ पर फेविकॉल का इस्तेमाल किया है और दोनों तरफ से कुछ इस तरह से हम ग्लू को लगाएंगे और न्यूज़पेपर को यहाँ पर हम लगाएंगे और आगे की तरफ से कुछ इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। ऐसे ही हम चारों तरफ न्यूज़पेपर के मदद से कवर कर देंगे। अगर आप सभी के पास पेपर टेप है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पेपर से कवर कर लिया है। तो अभी हम यहाँ पर वॉल पुट्टी पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच वॉल पुट्टी पाउडर और 1 चम्मच फेविकॉल मिलाने से ये वाला पेस्ट बनकर रेडी हो जाएगा। अगर नेसेसरी है, आप वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे ना, चम्मच की मदद से यहाँ पर हमने जो बेस बनाया था कार्डबोर्ड की मदद से, उसके ऊपर कुछ इस तरह से हम वॉल पुट्टी पेस्ट को चारों तरफ ऐसे ही फैला देंगे। तो पेस्ट को चारों तरफ फैलाने के बाद सेट स्क्वायर के मदद से कुछ इस तरह से प्लेन बनाएंगे और इसको अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से ड्राई हो गया है। अभी हम क्या करेंगे ना, साइड में भी कुछ इस तरह से उंगली के मदद से वॉल पुट्टी पेस्ट को लगा देंगे, ताकि वो वाला हिस्सा भी प्लेन हो जाएगा और उसको भी हम ऐसे लगाकर अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो ड्राई हो जाने के बाद हम इसको सैंड पेपर के मदद से अच्छे से प्लेन करेंगे, ताकि हमारा जो बेस है वो अच्छे से प्लेन हो जाए। अभी हम क्या करेंगे ना, इसको कलर करेंगे। तो कलर करने के लिए मैंने यहाँ पर व्हाइट कलर का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहते हो तो जेसो या फिर चॉक पेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पर एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल किया है और डबल कोटिंग कर लिया है अच्छे से। तो अभी हम पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। तो सेंटर में हम एक ड्राइंग बनाएंगे। मैंने ये वाला ड्राइंग गूगल में देखा था, तो लाइन अच्छे से स्ट्रेट हो जाए, इसीलिए मैंने यहाँ पर स्केल का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर प्लीज़ स्किप मत करिए, वीडियो अच्छे से देखिए, ताकि आप भी जान पाएंगे कि मैंने इसको कैसे बनाया है। तो जब तक मैं इसको बना रही हूँ, आप सभी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं आगे अपलोड करूँ आप सभी के पास पहले पहुँच जाए। ड्राइंग हो जाने के बाद अभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अभी हमने जहाँ पर ड्राइंग किया था उसी लाइन में ही कुछ स्पेस छोड़कर इसको हम दबा देंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत लगेगा। अगर आप सभी के पास हथौड़ा है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर लीजिए। और हाँ, देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से लगा दिया है। और जो नोज़ रिंग है उसको हम कुछ डिफरेंट वे में बनाएंगे। तो नोज रिंग को बनाने के लिए मैं यहाँ पर एमसील व्हाइट का इस्तेमाल करूँगी। तो एमसील व्हाइट को कुछ इस तरह से उंगली की मदद से रोल कर देंगे और यहाँ पर फेविकॉल लगाएंगे। आप कोई भी व्हाइट ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हो और उसको कुछ इस तरह से चिपका देंगे। और जो एक्स्ट्रा पीस था उसको मैंने निकाल दिया है कट करके।
तो अभी हम ऊल का इस्तेमाल करेंगे स्ट्रिंग आर्ट बनाने के लिए। तो पहले हम बीच का जो ये वाला लाइन है इसको बनाएंगे। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर की जो ऊल है उसका इस्तेमाल किया है। अगर आप सभी के पास एम्ब्रॉयडरी वाली धागा है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ इस तरह से ऊल को यहाँ पर लॉक कर लिया है। अभी हम स्ट्रिंग आर्ट को कंप्लीट करेंगे। तो पहले ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है उसको, जो बीच का जो लाइन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखिए, मैंने यहाँ पर अच्छे से डिटेल्स के साथ आप सभी को दिखाया है ताकि आप भी जान पाएंगे कि मैंने कैसे इसको बनाया है। तो हम यहाँ पर दो तीन कलर की ऊल का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि मैंने आप सभी को दिखाया ऑरेंज, रेड और ब्लैक। तो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम आँख बनाएंगे और ब्लैक कलर का मैंने इस्तेमाल किया है। अभी नोज रिंग को हम गोल्डन कलर से कलर करेंगे। आप यहाँ पर येलो कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो नोज रिंग को गोल्डन कलर करने के बाद अभी हम मिरर्स का इस्तेमाल करेंगे। हम सेम डिज़ाइन का मिरर इस्तेमाल करेंगे पर डिफरेंट साइज़ का। तो अभी यहाँ पर चारों तरफ हम मिरर लगाएंगे कुछ इस तरह से। और हाँ, मैंने यहाँ पर फेविकॉल का इस्तेमाल किया है चिपकाने के लिए। आप कोई भी व्हाइट ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हो। और हाँ, यहाँ पर प्लीज़ हॉट ग्लू या फिर फेविक्विक का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए, नहीं तो हमारा क्राफ्ट ख़राब हो जाएगा। तो मिरर्स को लगाने के बाद अभी हम इसको कलर करेंगे और यहाँ पर कुछ स्टोन्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि इसका लुक और भी बेहतर लगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर छोटे छोटे से स्टोन का इस्तेमाल किया है और इसको डेकोरेट कर लिया है अच्छे से। अभी हम क्या करेंगे ना, एक पुरानी वेस्ट फैब्रिक का इस्तेमाल करेंगे। और मैंने यहाँ पर रेड कलर की फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। और ये वाला जो फैब्रिक है बहुत पतला है, अगर आप चाहते हो तो नेट फैब्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। पर ये वाला जो फैब्रिक है नेट नहीं है पर वैसा ही कुछ है। इसको मतलब ये वाला जो फैब्रिक है इसका नाम क्या है मुझे नहीं पता है, मेरे पास था पड़ा हुआ, वेस्ट था तो मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे ना, इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे। और मेरे पास था जो फैब्रिक का जो ग्लू होता है वो था, तो मैंने उसके मदद से इसको अच्छे से चिपका दिया है। तो अच्छे से ड्राई हो जाने के बाद अभी हम इसको क्राफ्ट में यूज़ करेंगे। तो कैसे यूज़ करेंगे वो भी आप सभी को दिखा देती हूँ। तो अभी हम सुई धागे का इस्तेमाल करेंगे पहले। तो सुई धागे के मदद से कुछ इस तरह से यहाँ पर हम सिलाई करेंगे।
देखिए मैंने इसको अच्छे से सील दिया है और यहाँ पर मैंने बहुत हल्के हाथ से सिलाई की है ताकि जब इसको जो धागा है उसको खींचू तो ये वाला जो फैब्रिक है कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, पर थोड़ा सा आइडिया था इसको बनाने में तो कुछ इस तरह से मैंने इसको बना लिया है। अभी हम इसी का ही इस्तेमाल करेंगे क्राफ्ट को डेकोरेट करने के लिए। तो अभी हम क्या करेंगे ना, इसको साइड में रख लेते हैं, अभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका जो साइड का जो हिस्सा है, हमने जहाँ पर वॉल पुटी लगाया था वहाँ पर हम फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करेंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ पर हम इसको कुछ इस तरह से चिपकाएंगे। अगर आप चाहते हो कि जल्दी से ड्राई हो जाए तो आप यहाँ पर इसको चिपका कर आयरन भी दिखा सकते हो ताकि वो अच्छे से चिपक जाएगा। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको लगाया है, तो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने चारों तरफ जो फैब्रिक है उसको अच्छे से लगा दिया है और यहाँ पर एक धागा लगा दिया है। तो चलो देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स, अभी हम एक यूज़फुल क्राफ्ट बनाएंगे। उसको बनाने के लिए हम कोकोनट सेल का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको अच्छे से मैंने प्लेन कर लिया है सैंड पेपर के मदद से। तो अभी हम व्हाइट एमसील का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर पहले हम फेविकॉल लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, हमारी जो व्हाइट एमसील है कुछ इस तरह से इसको हम चारों तरफ से लगा देंगे ताकि ये वाला जो हिस्सा है इतना अजीब ना लगे, क्योंकि बहुत अजीब लग रहा था वो वाला जो पार्ट था। तो देखिए लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा पीस था उसको मैंने निकाल दिया है। इसको अच्छे से साइज कर लिया है। जो एक्स्ट्रा पीस बच गया था एमसील व्हाइट का, अभी हम उसका इस्तेमाल करेंगे और उसको उंगली की मदद से कुछ इस तरह से दबा देंगे तो वो फ्लैट हो जाएगा कुछ इस तरह से। अभी हम क्या करेंगे ना, जहाँ पर होल था वहाँ पर इसको हम चिपकाएंगे। और इसको चिपकाने के लिए भी मैंने यहाँ पर फेविकॉल का इस्तेमाल किया है। तो देखिए मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर चिपका दिया है। अभी हम इसको अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। नहीं, और भी काम बाकी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जो कोकोनट सेल का इस्तेमाल किया था वो अच्छे से खड़ा नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि इसके पीछे कुछ इस तरह से ये वाला जो वेस्ट कैप है उसको चिपका दूंगी। तो इसको हम जब खड़ा करेंगे तो अच्छे से स्ट्रेटली खड़ा हो पाएगा, मतलब कि इधर उधर नहीं गिरेगा। तो इसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फिर से एमसील व्हाइट का इस्तेमाल किया है। तो देखिए कुछ इस तरह से अभी हम इसको अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो अच्छे से ड्राई हो जाने के बाद अभी हम इसको कलर करेंगे। तो मैंने रिसेंटली अमेजोन से कलर ऑर्डर किया था, तो देखिए मेरा कलर आ गया है। अभी इसके अंदर व्हाइट कलर भी है, हम इसी व्हाइट कलर का इस्तेमाल करेंगे। और हाँ, ये वाला जो कलर है एक्रेलिक कलर है, अगर आप चाहते हो तो जेसो या फिर जॉक पेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहले हम यहाँ पर व्हाइट कलर इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो भी कलर करना होगा उसको करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि मैं ज़्यादातर पहले व्हाइट कलर करती हूँ। तो देखिए अच्छे से कलर हो गया है। अभी हम डिफरेंट कलर का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर येलो कलर का इस्तेमाल करूँगी, उसके बाद ऑरेंज और रेड, ऐसे ही दो तीन कलर का हम इस्तेमाल करेंगे।
अच्छे से कलर कर लिया है और अच्छे से ड्राई भी हो गया है। अभी हम छोटे छोटे से मिरर्स का इस्तेमाल करेंगे इसको डेकोरेट करने के लिए। और हाँ, मिरर चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पर फेविकॉल का इस्तेमाल किया है। अगर आप सभी के पास मिरर्स नहीं है, आप यहाँ पर कोई भी स्टोन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो बाहर की तरफ मिरर्स लगा देने के बाद अभी हम अंदर की तरफ कुछ इस तरह से मिरर्स को लगाएंगे। और यहाँ पर मैंने और एक डिज़ाइन का मिरर इस्तेमाल किया है। तो मिरर्स लगाने के बाद भी बहुत खाली खाली लग रहा था, तो मैंने सोचा यहाँ पर थोड़ा सा व्हाइट कलर के मदद से कुछ डिजाइन्स बना लेती हूँ बहुत ही सिंपल वे में। तो देखिए, यहाँ पर मैंने फिर से मिरर्स का इस्तेमाल किया है नीचे वाला जो हिस्सा है उसको कवर करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्राफ्ट बनकर रेडी हो गया है। तो चलो देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और दोनों में से कौन सी क्राफ्ट आप सभी को बहुत पसंद आई वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ और एक वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। स्टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।